हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट चैनल पर। कैसे हो आप लोग? मस्त है एकदम से, अच्छा मज़ा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या है कि हम इस क्लास में पढ़ रहे थे, शाम को इस समय आपकी जो क्लास होती है उसमें क्षेत्रफल वगैरह ये चलता रहता है ना, तो उससे क्षेत्रफल में हमने क्या पढ़ लिया, समबाहु त्रिभुज पढ़ा हमने, उसमें सम द्विबाहु त्रिभुज पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुजों के जो रूल हैं वो आपस में लगते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे जो कंटेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि वर्ग है तो वो उससे जुड़ा हुआ है। सिंगल सिंगल सवाल हो चुके थे, जैसे जैसे हम अब आज वर्ग पढ़ेंगे, स्क्वायर, उस स्क्वायर में वृत्त का कहाँ काम आता है, सर्कल का कहाँ काम आता है, राइट एंगल ट्रायंगल का कहाँ काम आता है, तो जो भी जिसके अंदर काम आएगा मिक्स, जहाँ जहाँ मिक्स होगा वहाँ वहाँ हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, ओके। तो आज हम देखो स्क्वायर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसके अंदर भी एक छोटी सी बात के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक सवाल पहुँच जाता है, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम ये मानते हैं कि आपको स्क्वायर का कुछ नहीं पता, शेप भी नहीं पता, स्क्वायर होता कैसा है ना, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई वर्ग यानी कि स्क्वायर, क्लियर है? ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी क्लासों में भी ऐसे ही हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। ये वर्ग है ना, वर्ग वह चतुर्भुज, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, बराबर तो ऐसे भी हो सकती है ना। ये वाला देखो एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की या फिर चारों भुजा बराबर होंगी तो इस कंडीशन का बना हुआ चतुर्भुज स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति हमेशा चतुर्भुज होगी। चतुर्भुज बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें इस चतुर्भुज का नाम है वर्ग यानी कि स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ओके। तो हम इसकी बात करते हैं, इस चतुर्भुज में ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ओके, ये 90 डिग्री के, हर एक चीज़ पे छोटी छोटी बात पे ध्यान देंगे। ठीक, ओके। इसके बाद देखो हम स्टार्ट करते हैं, इसकी ये भुजा जो है इसको भी ए नाम दिया, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि अभी अभी बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई, कोई भी शेप होगी उसका एरिया हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, लंबाई जो होगी वो भी ए है और चौड़ाई जो होगी वो भी क्या है, ए है, दोनों ही ए है, इसलिए हम इसको कह देते हैं ए स्क्वायर, यानी कि साइड जो है ना, साइड का स्क्वायर, और इसको हिंदी में हम लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर। लेकिन बात तो आप समझ रहे हैं ना, बात तो वही है कि है फॉर्मूला तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही है ना। तो एक बात आप सबको समझ में आई। दूसरी बात, एरिया के बाद में अगर हम इसका पैरामीटर की बात करें, है ना, तो पैरामीटर जो होगा वो पैरामीटर कैसे होगा भाई, वो होगा कि आपको मैंने बताया कि बाहर की जो बाउंड्री होती है वही पैरामीटर होता है, मतलब क्या होता है, परिमाप होता है या फिर परिमिति होती है, क्लियर है। तो बाहर का जो पैरामीटर होगा वो देखो कितना होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि ए को जोड़ दिया जाए कितनी बार, चार बार, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा, चार गुणा भुजा, चार गुणा भुजा यानी फोर ए भी कह सकते हैं, सबको क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर होगा वो होगा इसका डायगनल होगा, यानी कि विकर्ण होगा, मेरी बात समझ में आ रही क्या, इसका डायगनल या विकर्ण होगा, वो कैसे निकालेंगे। देखो इसका विकर्ण ये से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के ये है ना, तो एक बार अगर हम इस साइड को हटाते हैं तो हम देखेंगे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ये होता है कर्ण। अगर ये कर्ण है जिसको हम यहाँ पे विकर्ण नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विकर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और लंब स्क्वायर भी ए स्क्वायर होगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर,
बोलो, समझ में आया? इधर से अगर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो क्या होगा? उधर की साइड में रूट लग जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाया। अंडर रूट में से वो संख्या हमेशा बाहर निकल जाती है जो स्क्वायर में होती है, जो नहीं होती वो अंदर रह जाती है। तो इसका मतलब रूट टू का क्या होगा, रूट टू ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर का बाहर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। और ए क्या होती है, भुजा, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट दो गुणा ए का मतलब भुजा। मैं शुरू से देखो ऊपर से आपको यही तो कहता रहा हूँ कि ए का मतलब क्या होता है, इसके अंदर भुजा है। ए हमने क्या मानी है, इसकी भुजा यानी कि साइड मानी है। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ये तो वो चीज़ है जो नॉर्मली लगभग सबको पता है, फिर भी कोई 5-6-10% बच्चों को नहीं पता, तो मैंने सारी बातें बता दी। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर यानी एरिया। पैरामीटर यानी कि परिमाप या परिमिति जो होगी वो 4 गुना भुजा। विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, रूट 2 गुना भुजा होगा। ये ध्यान देना, ये क्या होगा विकर्ण, ये होगा रूट 2 गुना ये वाली भुजा, या फिर ये वाली कोई भी भुजा ले लो, चारों बराबर है। यानी कि रूट 2 गुणा करना है भुजा से। तो आपको कोई ये बोले कि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा, रूट 2 गुणा 15। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 15 रूट 2, इधर उधर लिख दो कोई बात नहीं, गुणा में ही है ना। 115 होती तो 115, एक्स होती तो एक्स, जो भी है। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? चलो अभी हम यहाँ से देखो कुछ उल्टे सीधे निष्कर्ष निकालते हैं, वो समझना। जैसे मैं इस वाले को लिखता हूँ, विकर्ण का मान जो है बराबर क्या है, रूट 2 गुणा भुजा, भुजा का मतलब ए, समझ मेरी बात। आपको मालूम है कि इसका जो एरिया होता है ना, समबाहु त्रिभुज, वर्ग जो स्क्वायर है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम इस दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो मुझे बताओ क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर है ना, उधर भी कर देते हैं क्या, रूट 2 गुणा भुजा, दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, ये क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, मेरे को स्क्वायर चाहिए, ये यहाँ बिना स्क्वायर के था तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो अब इसके स्क्वायर बन जाएगा, है ना। देखो अभी एक निष्कर्ष निकलेगा, तो विकर्ण का स्क्वायर क्या है, ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, और भुजा का स्क्वायर होगा भाई भुजा स्क्वायर। बोलो होगा क्या? तो अगर मैं सिर्फ भुजा स्क्वायर ही रखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इस गुणा 2 को मैं इसके बटा में पहुँचा दूँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर और उसके बटा में 2, ये यहाँ से आ गया, तो ऐसा करने पर उधर बचेगा भुजा का स्क्वायर। और आप मुझे बताएंगे ये भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भाई ये भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल यानी कि आयतन, सॉरी एरिया, ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग होता है ना, वर्ग का एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, विकर्ण जो दिया गया है उसके बटा में 2 और विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये कर सकते हैं क्या? सबको क्लियर है मेरा कहने का मतलब? कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि इसमें से मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, बहुत छोटे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में है ना, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, तो इसका ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखा होगा, एक ऑप्शन में ये भी होगा विकर्ण का स्क्वायर। ध्यान देना, नीचे तक का स्क्वायर नहीं है, ओनली विकर्ण का स्क्वायर फिर बटा में 2 है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है इसका, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी शायद, ठीक है। अब हम एकदम से छोटे सवाल करते हैं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। जिन बच्चों को छोटी बातें नहीं आती हम वहाँ से भी बताएंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे, छोटी मोटी सब बातें, है ना, ऊपर तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको आए, ठीक है। देखो क्या है, अब होगा एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा देके एरिया पूछना वो सब तो सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतनी चीज़ नहीं पूछेंगे। एक वर्ग है जिसके विकर्ण की माप जो है वो रूट 98 सेंटीमीटर है, कितनी है, रूट 98 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसके विकर्ण का माप कितना है, रूट 98 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताएंगे इसका एरिया कितना होगा, इसका पैरामीटर कितना होगा, समझ में आ रही बात, ऐसा कुछ। तो देखो हम क्या करेंगे,
सबसे पहली बात आपको पता है कि विकर्ण दे रखा है। विकर्ण क्या होता है? रूट दो गुणा भुजा होता है। बोलो होता है क्या? तो रूट दो गुणा भुजा और ये विकर्ण इसके बराबर दे रखा है, रूट 98 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है क्या? हमें क्या करना है? भुजा निकालनी है। तो भुजा बराबर रूट 98 में डिवाइड करते हैं रूट दो को। मैंने आपको किसी क्लास में बताया था कि रूट वाली संख्याओं को गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लेकिन गुणा भाग में एक साथ लिख सकते हैं, यानी इसको हम 98/2 सीधा लिख करके दोनों पे एक साथ लगा सकते हैं। तो इसको जब काटोगे तो क्या बचेगा? ये 49, और 49 का जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 7 निकलेगा, 7 निकलेगा। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भुजा हमारे पास में आ चुकी है। अगर हमारे पास में भुजा आ जाती है तो उसके बाद में क्या दिक्कत है भाई? ये साइड आ गई है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना था? एरिया। एरिया तो 7 × 7 = 49 आ गया। दूसरा क्या बताना है? परिमाप। परिमाप 7 × 7 = 28 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी सिंपल। अब हम इससे आगे चलते हैं, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस छोटी छोटी बेसिक बातें, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, वर्क का एक छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, फिर बड़ा तो हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, पहले हमें छोटी चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। अगर ऐसे बोला जाए, एक वर्ग है जिसके विकर्ण का माप जो है, विकर्ण का जो माप है वह रूट डी सेंटीमीटर है। कितना है? रूट डी सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि विकर्ण का स्क्वायर बताया था क्या? और बटा दो। विकर्ण का स्क्वायर बटा दो, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल कह सकते हैं। अभी भी सीखा था क्यों होता है, कारण पता है। अगर आपको ऐसा दिया है विकर्ण रूट डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब विकर्ण का स्क्वायर और बटा दो, क्या यही एरिया नहीं होगा क्या? क्या यही क्षेत्रफल नहीं होगा क्या? बस खत्म। तो इट मीन्स रूट डी का स्क्वायर तो होगा डी, और दो बटा में है दो ही, क्योंकि दो पे स्क्वायर नहीं होता, ध्यान देना ये। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी, नो प्रॉब्लम। ओके, और चलते हैं, देखो छोटी मोटी बातें सीखते हैं, इससे रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड जो जो बातें हैं उनको सीखते हैं। ओके, तो ये दो छोटी बात हुई। तीसरी बात, विकर्ण वगैरह सब आ गया। अगर हमें कभी इसके अंदर का कोई वो दे देता है अगला, कि इसके अंदर एक वृत्त है, इन सर्कल है ना, इसके अंदर एक वृत्त है, सर्कल है, क्लियर है। अगर इसके अंदर कोई सर्कल होता है तो उसमें उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना? चलो, बाहर वाले की भुजा जो है ना वो ए है, ए है। एक दूसरा मान लो ऐसे कर देता अगला कि ये वर्ग है, और इस वर्ग के बाहर एक वृत्त है, इस वर्ग के बाहर एक वृत्त है। सबको समझ में आ रहा है? एक अंदर है एक बाहर है, हमने ये समबाहु त्रिभुज में पढ़ा था, और अब हम क्या कर रहे हैं? वर्ग में पढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर ये भुजा पूरी ए है ना, तो एक बार देखो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। ये वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक लाइन गुजरती है, उसे हम जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जीवा 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 जीवा, बहुत सारी जीवा होती हैं, अनंत जीवा होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है बिल्कुल सेंटर से होकर के गुजरने वाली, और इस सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यास कहते हैं। और इस व्यास का पूरा मान यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, पूरी व्यास, और इस व्यास का आधा इधर का भाग और आधा इधर का भाग, ये वाला भाग त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाता है। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से इसकी परिधि को मिलाने वाली दूरी, इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से होकर के कोई लाइन गुजरते जाए, तो आप ध्यान दो, ये पूरी अगर ए है, ये पूरी अगर ए है, तो ए का आधा इधर होगा, ए का आधा इधर होगा। बोलो होगा क्या? ये तो पूरी ए है, तो ए का आधा यहाँ तक हो गया, ए का आधा, और इसके बराबर ये है, तो इट मीन्स इसकी आर जो होगी वो क्या होगी? ए का आधा होगी। यानी यहाँ पे जो भी भुजा दे रखी होगी उसका आधा कर दो तो अंदर वाले की त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या निकलने के बाद में आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर वगैरह, जो भी
लगा सकते हो। लेकिन कब अंदर वाले की त्रिज्या कब आएगी, सबको समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब एक वर्ग के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, बाहर वाले वर्ग की भुजा जो टोटल होती है उस टोटल भुजा का आधा, इसकी क्या होती है त्रिज्या। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी देखो ये लाइन तो ऐसी है तो पूरा किनारा नहीं मिला रही है, लेकिन अगर आप इधर से इधर जाओगे ना तब आप कुछ समझ पाओगे कि हाँ ये ठीक है। अच्छा, क्योंकि कोई भी वृत्त की परिधि या त्रिज्या देखो कैसे निकालते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक टच होना चाहिए, उस टच में बीच वाले सेंटर पॉइंट से इधर चले जाओ या इधर चले जाओ वो दोनों साइड ही क्या उसकी त्रिज्या। तो हम देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या है, लेकिन देखो वर्ग के अंदर ये चीज़ तो भुजा के बराबर होती है, ये तो हमने पिछले सवाल में कर ली, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, अरे भाई ये इसका विकर्ण होता है। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण रूट दो गुना ए है, बोलो है क्या? ये विकर्ण पूरा कितना है, रूट दो गुना भुजा, अभी भी ये सीखा है, रूट दो गुना भुजा अगर इसका विकर्ण है तो मुझे बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। अरे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी इस विकर्ण का आधा, विकर्ण का कितना आधा, तो विकर्ण है रूट दो गुणा ए और उसका आधा का मतलब दो का भाग दे दो, बोलो आ जाएगा क्या? या तो आप इतना रख सकते हो, इससे आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो रूट दो गुणा ए बटा रूट दो गुणा रूट दो, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बटा वाले दो को हम रूट दो गुणा रूट दो लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा और ए बटा रूट दो भी कह सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? यानी कि अंदर वाले अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या तो वो ए बटा दो है, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ए बटा दो रूट है, बोलो है क्या? अब यहाँ से हम छोटा सा एक निष्कर्ष निकालते हैं, ये हमारे पास क्या निकला, आर छोटी मान लो अंदर है और आर बड़ी मान लो बाहर वाले की है, समझ गए ना? तो आर छोटी और आर बड़ी इन दोनों के बीच का अनुपात ये होगा ए बटा दो और ये होगा ए बटा रूट दो, बोलो समझ में आया? ठीक है ना, ए से ए कैंसिल, इसमें भी एक बटा रूट दो गुणा रूट दो, आप समझ सकते हो इस बात को, और इसमें एक बटा रूट दो से रूट दो कैंसिल, अब ये रूट दो उधर के गुणा होगा तो एक अनुपात क्या आएगा, रूट दो आएगा। ये किसका अनुपात निकला रे, अंदर वाली त्रिज्या एक होगी तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी होगी, रूट दो होगी। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या एक होगी तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, रूट दो होगी। अगर हम इनके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर आर कितनी है एक, तो उसका स्क्वायर, उधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर है ना, तो पाई से पाई तो कैंसिल, एक का स्क्वायर एक होगा और रूट दो का स्क्वायर दो होगा, यानी इसका क्षेत्रफलो का अनुपात कितना होगा, एक अनुपात दो, यानी वर्ग के अंदर जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल एक होगा तो बाहर वाले का दो होगा, यानी डबल होगा, अंदर वाले का 100 होगा तो बाहर वाले का 200 होगा, अंदर वाले का 80 होगा तो बाहर वाले का 160 होगा, बोलो मेरी बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छा, तो देखो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे से आगे क्लास में और पढ़ते जाएंगे, इस क्लास को अच्छे से समझोगे तो अगली वाली क्लास समझ में आएगी, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ वाले बच्चों तक पहुँचाएँ, ओके भाई, बाय।